वाह, ये माला तो बहुत सूट कर रही है यार इस ड्रेस के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? तो रोज सुबह की शुरुआत तो मेरी सेम ही हो रही है आजकल। सुबह जल्दी उठ जाना, कशिश के लिए यम्मी यम्मी लंच बॉक्स बनाना, सारा खाना प्रिपेयर कर देना। लेकिन हाँ, इससे ये फ़ायदा हुआ है जल्दी उठने से कि काम बहुत टाइम से निबट जाता है और बाकी का दिन काफ़ी लंबा बचता है, जिसमें मैं कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो आज का दिन भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, और आज का दिन क्या नया होने वाला है मेरे लिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में। साथ में कशिश के लिए लंच बॉक्स बनाऊंगी और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं व्लॉग के अंदर, तो व्लॉग को पूरा देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज ना बस सोच लीजिए, दोस्तों के लिए वक्त निकाला है, आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो वैसे तो मैं रेगुलर लाइफ में इतना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ दोस्तों के लिए, लेकिन ये एक महीने का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट रहता है सारे लोगों से एक साथ मिलने का, अच्छा अच्छा खाना खाने का, खूब सारी मौज मस्ती करने का, खूब सारी बातें करने का। तो मेरा दिन ना बहुत अच्छे से जाता है, सुबह से ही मैं स्टार्ट हो जाती हूँ एनर्जी के साथ, जिससे कि जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म कर पाऊँ। आप में से बहुत लोगों को पता है मैं सुबह उठकर जीरा पानी पी रही हूँ, और उनमें से काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी आए हैं कि आपको ये जीरा पानी कितना वर्क कर रहा है, आपका कुछ वेट लूज़ हुआ कि नहीं हुआ, कितना फ़ायदा हुआ आपको। तो वेट लूज़ तो एक दो दिन में नहीं हो जाता है, और खाली जीरा पानी पीने से भी मुझे बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एक्सरसाइज तो मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर मुझे अच्छा बेनिफिट चाहिए। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जीरा पानी पीने से मुझे थोड़ा हल्का महसूस होता है, और हाँ थोड़ा 19-20 का फ़र्क भी मैंने महसूस किया है। अभी मैं कशिश के लिए लंच बॉक्स में बनाने वाली हूँ बर्गर। तो बर्गर के लिए मैंने ये आलू पेटी फ्राई कर ली थी, और बस बर्गर के एक साइड में मैंने लगा दिया था पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और दूसरी तरफ मैंने थाउजेंड आइलैंड लगा दी थी। चाहो तो आप टमाटो केचप और मेयो दोनों का मिक्सचर भी बनाकर लगा सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगता है बर्गर में। तो यहाँ पर आलू पेटी फ्राई हो चुकी थी, उसके बाद मैंने इन्हें लगा दिया। उसके बाद मैंने थोड़ी अनियन के स्लाइसेस लगाए, थोड़े टमाटोज़ के लगाए, फिर मैंने लेटस लगा दिया और उसके ऊपर चीज़ का स्लाइस, और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया था क्योंकि फीका फीका सा ना लगे, क्योंकि ऊपर अनियन और टमाटोज आएंगे तो थोड़े से फीके ना लगे इस वजह से। और बस मैंने इसे कवर कर दिया था, और उसके बाद उसके ऊपर बटर डाल दिया। बटर डालने से ये फ़ायदा होता है, जब भी आप इसे बेक करोगे तो जो आपका बर्गर है या भी कुछ भी आप बना रहे हो या सबवे भी बना रहे हो, तो वो बहुत क्रिस्प होके आता है। तो ऐसी ब्रेड से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप बेक कर रहे हो तो उस पर थोड़ा सा ऊपर से बटर लगा दीजिए, गर्म करके भी आप लगा सकते हो, मैंने ऐसे ही लगा दिया था, और आप देखो कि बहुत ही अच्छा बन के आता है। तो आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी बन के आया है हमारा बर्गर ओवन में से। अब इसको बस मैं कवर करके एक साइड में रख दूंगी, और दूसरी साइड में कशिश के लिए रख रही हूँ लिटिल हार्ट। लिटिल हार्ट कशिश के बहुत फेवरेट बिस्किट्स हैं, और ये मीठे भी होते हैं तो टेस्ट में अच्छे लगते हैं। कशिश को स्वीट पसंद है, उसका स्वीट टूथ है एक्चुअली, प्रशांत पे गया है, उसे बहुत पसंद है मीठा। तो यहाँ पर दूसरे पार्टीशन में मैं रख रही हूँ फ्रूट्स। फ्रूट्स में मैंने रखे हैं ग्रेप्स और साथ में पाइनएप्पल। कशिश का लंच बॉक्स आज का रेडी हो गया है, जो कि काफ़ी यम्मी और हेल्दी भी है साथ में। यम्मी इसलिए क्योंकि बर्गर बनाया है, और हेल्दी इसलिए क्योंकि मैंने उसके लिए फ्रूट्स भी रखे हैं। फ्रूट्स वो खाए ना खाए मैं रखती ज़रूर हूँ, वैसे आजकल खाने लगी है, अच्छी बात है। शावर ले लिया मैंने, और अब मैं होने वाली हूँ रेडी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे ग्रुप में एक बहुत अच्छी थीम पार्टी है। आज है हमारे ग्रुप में दम मारो दम पार्टी, तो मुझे दम मारो दम के हिसाब से रेडी होना है, वैसा लुक क्रिएट करना है। उन्होंने एक दो पिक्चर भी साथ में कहते भेजी थी व्हाट्सएप ग्रुप पे कि ऐसे रेडी होके आना है, तो उससे मैंने मैच करते हुए अपना आउटफिट भी ढूंढ लिया है। प्लस मैंने जीना तमान का वो दम मारो दम वाला सॉन्ग भी देख लिया, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी ही अलमेरा में से ही निकाला है ये आउटफिट, साथ में थोड़ी बहुत एसेसरीज निकाली है। तो किस तरीके से मैं रेडी होने वाली हूँ दम मारो दम के लिए वो भी आपको दिखा दूँगी, पहले बाल बाल सूख जाएँ, और बस उसके बाद मैं रेडी होंगी पूजा करने के बाद, पूजा कर लेती हूँ। कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट बताना कमेंट सेक्शन में। ये आउटफिट जो मैं इंस्पायर हुई हूँ वो कुछ जीना तमान से, और कुछ जो उन्होंने पिक्चर भेजी थी, मैं पिक्चर भी लगा दूंगी साइड में, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये आउटफिट निकाल के बनाया है अपना।
और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली थी। जब भी कभी हम लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं और खासतौर से समर टाइम चल रहा हो, तो हमारी जो एल्बोज हैं या फिर हमारी जो नी है, जब ब्लैक दिखती है तो बहुत गंदी लगती है, लगती है ना। तो होता क्या है ना, ज्यादातर आपने देखा होगा इंडिया में सभी के साथ ये दिक्कत रहती है कि एल्बो और नीज जो है वो ब्लैक पड़ जाती है, मतलब ब्लैक हो जाती होती है। बिकॉज एक तो हमारी नेचुरल स्किन टोन भी ऐसी है, फिर और भी चीजें हम ज्यादा स्क्रब नहीं करते, एक्सफोलिएट नहीं कर पाते, तो उसके से डार्क लाइक स्किन रह जाती है काफी बार। यस, और कभी कभी तो बचपन में कुछ चोटें ऐसी लग जाती है जिनके स्पॉट्स नहीं जाते हैं। मेरे तो नीज इसलिए डार्क है क्योंकि मेरी इतनी सारी चोटें हैं नीज पे। तो यहाँ पे मुझे मम्मी बहुत अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताई थी, वो है सैनफे ग्लो क्ले मास्क स्टिक। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि ये एक्चुअली रिड्यूस करता है डार्कनेस आपके एल्बोज और नीज के एरिया से, और ये एक रोल ऑन स्टिक के फॉर्म में है और इजी टू अप्लाई है, सबसे अच्छी बात, क्योंकि सुबह के टाइम हमारे पास इतना समय नहीं होता, तो आपको इसको रोल ऑन करना है। कैप इस तरीके से यहाँ से उतर गई और इसके बाद बहुत ही आसानी से, जैसे मैं इसके एल्बो पे लगा रही हूँ इस तरीके से, और इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने नीज पे लगा लेना है। तो यहाँ पे लगा दिया है, बस थोड़ा सा मसाज कर लेंगे। यस, और पता है इतना आसान है क्योंकि ये रोल ऑन स्टिक है और इसमें ना नियासिनामाइड है, तो वो डार्कनेस को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो ये छोटी सी है, आप इसे कैरी भी कर सकते हो, कहीं भी लेके भी जा सकते हो, ट्रैवल फ्रेंडली है। मैं कशिश को जरूर दूंगी, जैसे कि वो हॉस्टल में अपना आराम से इसे कभी भी चाहे तो लगा ले, तो डार्कनेस जो धीरे धीरे ये है ना, ये डार्क एरिया वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। मैम आपने वैसे कहाँ से परचेज किया है? ये मैंने पर्पल से परचेज किया है, तुम चाहो तो दोबारा भी वहीं से जाके परचेज कर सकती हो। वैसे भी पर्पल पर बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं आपकी फेवरेट ब्रांड्स पर, तो आप वहां पे चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप लोग वहीं से जाकर चेक कर लीजिएगा। इसके साथ गोल्ड इयररिंग पहनूं या फिर सिल्वर, ये मुझे सोचना है। एक में गोल्ड पहन के देखती हूँ, एक में सिल्वर, वैसे इसमें दोनों ही चल जाएंगे। मुझे ना अभी एक गेंदे के फूल की माला भी लेनी है गले में डालने के लिए, क्योंकि उससे ना प्रॉपर लुक आएगा फिर दम मारो दम का। एक बिंदी भी लगानी होगी लेकिन थोड़ा सा ऊंचा, क्योंकि मैंने देखा था उस टाइम थोड़ी सी ऊंची बिंदी लगाते थे लोग, जैसे काइंड ऑफ यहाँ पे। वाह, मुझे बहुत ऊंची लग रही है क्योंकि मुझे ऑड सी लग रही है, लेकिन लगाते थे उस टाइम तो मैं वैसे ही जाऊंगी। और साथ में ये माला रुद्राक्ष की, वाह वाह, ये माला तो बहुत सूट कर रही है यार इस ड्रेस के साथ। आई डोंट नो मैं कैसी लग रही हूँ, ये तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैंने ट्राई किया है यार, सबके साथ मिलके चलना चाहिए। मैं चाहती तो मैं थीम से हटकर भी जा सकती थी कुछ भी पहन के, लेकिन जब सब लोग एक साथ ऐसी चीज़ें डिसाइड करते हैं ना, तो वो एफर्ट के साथ करते हैं, तो उस एफर्ट में हमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कोशिश करके ये आउटफिट निकाला अपनी वार्डरोब में से और बना लिया, और ये लकीली मुझे मिल गई रुद्राक्ष की माला, तो मज़ा ही आ गया। बस ये माला ना थोड़ी सी लंबी है, तो मैंने इस तरीके से करी है, और साथ में मैं ये वाले सनग्लासेस लगाने वाली हूँ। बहुत अच्छा रहा आज का दिन मेरा, और बहुत अच्छी किटी पार्टी थी, फूड वाज रियली रियली ऑसम, बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था शिखा ने, अगर तुम वीडियो वॉच कर रही हो थैंक यू सो मच, बहुत ही टेस्टी खाना था रियली। और अभी ना खाना वाना तो हो गया था, थोड़ी देर भी हो गई मुझे घर पे आए हुए, फिर मैंने बोला प्रशांत सर बहुत दर्द कर रहा है आज, पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी ना, सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, उमस हो रही है। हाँ एक्चुअली बारिश होने के बाद उमस ज्यादा बढ़ गई है, तो प्रशांत ने बोला चलो बाहर चल के कॉफी पीते हैं, बहुत दिनों से हम लोग साथ में कॉफी पीने भी नहीं गए, और ये हमारा शायद फेवरेट टाइम पास होता है, टाइम पास आधा पौन घंटे का रिलैक्सेशन पीरियड होता है बाहर निकल के, फिर वापस से अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाएंगे। कहीं घूमी करने नहीं जाना, कशी सारी है उसकी वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद घूमने नहीं जाऊंगी। हैं देखते हैं, कशिश बताएगा, कशिश के एक तो नखरे बहुत हैं, उसको आराम करना है उसके बाद। हैं तो
सोचेगी तब हम सोचेंगे, पहले वो बताइए। नहीं मेरे पास फोन आ गया, मैं फोन भूल रही थी अपना। आज मजा किया, आज मस्ती हुई, सब लोग अच्छे अच्छे ड्रेसअप होके आए थे। वाह, कॉफी कैपुचिनो, हमारी फेवरेट कैपुचिनो। आज ना मैं कोई चीज ट्राई करने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी आप लोगों के सामने। बहुत ही काम की चीज है, अगर काम कर जाती है तो हम उसमें ट्राई करेंगे दो चार चीजें, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि दोस्तों के साथ पार्टी जो हुई है ये ना एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया, वरना मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ जो हॉल वीडियो शेयर किया था ना किचन से रिलेटेड, ये उस टाइम आ जाता तो मैं उसी दिन दिखा देती आपको, लेकिन ये आया है आज। लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए, आज ही सही है, बहुत काम की चीज अगर ये काम कर जाती है तो, क्योंकि मैं भी आपके सामने ही इसे ट्राई करूंगी फर्स्ट टाइम, और जैसा भी मैं इसके बारे में फील करूंगी यूज करने के बाद, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू जो भी पहली बार में रहता है इसका, वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ अभी के अभी। तो सावन में ना कुछ अगर आपको घर पे ही बना के खाना है, जैसे चिप्स वगैरह बनाने हैं तो चिप्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे इसमें। तो ये है वो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, आप लोगों ने भी अमेजोन पे देखा होगा, जब भी किचन आइटम डालते हो तो ये काफी पॉपुलर आइटम है अमेजोन पर, और 300 से ज्यादा लोगों ने इसे ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। देखते हैं इसका कितना फायदा है। ये ना एक चॉपर, स्लाइसर, डाइसर, जो भी कहना चाहो वो है ये। और इसमें ना क्या करना होता है मैं करीब से दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी। सबसे पहले तो आपको ये निकाल लेना है, तो यहाँ पर ना ब्लेड्स है, पीछे यहाँ पर नॉब है जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो तो 1 से लेकर 8 तक आप अपने हिसाब से इसे इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हो, और इसको इस तरीके से खोलना है, ऐसे खुल गया ये। इसके साथ आपको ये मिलती है ट्रे, जिसमें जब आप स्लाइस करोगे वेजिटेबल तो वो इसके अंदर आके गिरेंगी। हमें क्या करना है ना, ये वाला एक पार्ट आता है इसके साथ ट्रांसपेरेंट सा, और ये वाले हैं इसके अंदर बटन, ये जो बटन देख रहे हो ना, बस इसको प्रेस करना है और हमें इसको ना यहाँ पर फिट कर देना है, और इस तरीके से फिट हो जाएगा तो आपको एक साउंड आएगी कट की, तो कट आप समझ गए होंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये तो कैप था जो यहाँ लगा हुआ था मैंने हटा दिया, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको ना ऐसे करना है, और ये ना ट्रे हम इस तरीके से लगा लेंगे, और अगर ये प्रोडक्ट वर्क नहीं करा तो आपके सामने ही पता चल जाएगा, मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। अब ये देखो बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इसको ना इस तरीके से ऐसे ही डालना है ना, हाँ ऐसे ही डालना है। चिप्स बनाने के लिए है, चिप्स बनाने के लिए घर में चिप्स बन सकते हैं, और इवन चिप्स के अलावा आप सैलेड वगैरह भी कट कर सकते हो, तो सैलेड भी बहुत अच्छे से कट हो जाएगा, और इसके जो ब्लेड्स है ना उसमें शेप भी दे सकते हो। ये देखिए, हम सेटिंग चेंज करें क्या, क्योंकि ये इस टाइप के आ रहे हैं क्रिंकली वाले, हाँ इसके मोड है ना कशिश डिफरेंट यहाँ पर फ्रेंच बन रहे हैं गाइस, आसानी से फ्रेंच फ्राइज। वाओ, ये तो बहुत अच्छी चीज है कशिश, फ्रेंच फ्राइज तो बहुत ही सही बन गए, पतले बन रहे हैं, ये देखो कितने सही बने हैं, है ना। आलू की सब्जी भी बना सकते हो, ये वाली पतले वाले आलू की सब्जी जो होती है। ट्राई करने वाली हूँ चिप्स, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है यार, खीरा काट के देखूंगी। पतले पतले चिप्स बन रहे हैं, खीरा इस तरीके से कट रहा है गाइस, नहीं आप गलत डायरेक्शन में रखा है ना अपने अपना खीरा, ऐसे रखोगे खीरे तो लंबा लंबा कटेगा, तो लंबा लंबा इस तरीके से कट होके आएगा जैसे कि ये देख रहे हैं, और अगर आप इस तरीके से रखोगे खीरे को तो दूसरी तरीके से कट आएगा, तो अभी हम वही ट्राई करेंगे। I hope you have yes, normal khira. Oh, that's great. अरे वाह, अब मैं देखना चाहती हूँ इसमें टमाटो कट होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं मालूम है, देखते हैं। थोड़ा धीरे से करना, लुजगुन होता है ना टमाटो, टमाटर वाले स्लाइसेस इतने अच्छे से नहीं कट हुए, टमाटर नहीं हुआ है। इस टाइप के चॉपर ना मैंने ज्यादातर एग्जीबिशन में देखे हैं, वो लोग ऐसे खट 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 करके सारी वेजिटेबल्स कट कर देते हैं, ढेरों वेजिटेबल्स उनके पास होती है, सब कट हो जाती है अच्छे से, वो हो पाती है इसलिए क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो जाती है,
तो मैं भी अगर इसमें प्रैक्टिस करूंगी तो मेरा हाथ भी साफ हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए फर्स्ट टाइम के हिसाब से, जो कि मैंने आज ही रिसीव किया और आज ही आपके साथ शेयर किया, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। देखो चिप्स भी कट गए, फ्रेंच फ्राइज भी आपके चॉप हो गए, ये देखिए, और साथ में खीरा भी चॉप हो गया, और दोनों तरीके से, जैसे चाहो तो लंबा इस तरीके से, चाहो तो इस तरीके से स्लाइस हो गया। तो मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट। हाँ, टमेटोज नहीं हो पाए, टमेटोज का हाल कुछ गड़बड़ शड़बड़ हो गया, ये हो गया, तो टमेटो के लिए तो नहीं। हाँ, मैं अनियन ट्राई करना चाहूँगी। अनियन एक ऐसी चीज़ है जो कि सैलेड में अक्सर लोग खाते हैं। इसके साथ ये ब्रश भी मिल रहा है जो क्लीनिंग के काम आएगा, जैसे ये जो चीज़ें हैं सब क्लीन करने के लिए बहुत बेहतर है। कशिश, प्याज बहुत बढ़िया हो रही है। तो मैं प्याज ट्राई कर रही थी और मैं बहुत हैप्पी हूँ प्याज के रिजल्ट से। सैलेड वाली है, ऐसी वाली प्याज मैं हमेशा से चाहती थी, क्योंकि मेरे हाथों से ना बहुत बारीक प्याज कभी चॉप नहीं हो पाती। और इस टाइप की जो प्याज है ना, मैं मामी के घर खाती हूँ, वो हमेशा इतनी पतली प्याज चॉप करती है। तो तरीका मिल गया। ये बहुत सही है यार, बहुत सही है। कभी कभी प्रशांत बोलते हैं ना, छोले के साथ, राजमा के साथ रीमा प्याज कट करके लाना, बहुत इजी है। हाँ, ये बहुत सही है। मन करा कुछ चटपटा खाने का, चटपटा शरबरा। एंड मैंने और इन्होंने सोचा हम टोमेटो सूप पी लेते हैं। तो मैं उसके बाद खिचड़ी खाएंगे, चटपटे। यस, पहले टोमेटो सूप फिर खिचड़ी। मैं खिचड़ी को चटपटा बनाने के लिए इसमें चाट मसाला डाल दूंगी, वो भी चटपटी हो जाएगी। बात तो सही है। तूने वो नहीं बनाया, गार्लिक ब्रेड बनाया है सूप के साथ इन लोगों को। गार्लिक ब्रेड अच्छा लगता है और मैं हमेशा गार्लिक ब्रेड बनाती हूँ सूप के साथ। अच्छी है। आपने मेरी कलर की, मेरी कैसे की बनाई है? हाँ, तेरी कॉपी कर ली। डैडी ने मेरी कॉपी किया है। गाइस ये देखिए, अभी किचन में कौन सी जगह है, हॉल दिखा, पता नहीं मेरी हॉल, अपनी जींस दिखा रही हूँ किचन में। ये देखो, ये तेरे जैसी तो नहीं है, तेरी वाली कलर सायद बिल्कुल सेम है। मैं मजाक नहीं कर रही हूं, डिजाइन भी पूरा सेम है। ये नहीं, आपकी नीचे से वैसी है, फ्लेयर्ड होगी, फ्लेयर वाली है ऐसे। आपने मेरी स्टाइल की मंगाई है बिल्कुल। ये देखो बटन वगैरह, भाई सही बात बताओ, लाइट चली गई है, ओवरलोड हुआ है, इसलिए ओवन चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था, मैंने पता है किस लिए लिया है ये, क्योंकि मेरे को ये जीन्स जो है ना बहुत सस्ते में पड़ गई। अब आप पूछोगे कैसे सस्ते में पड़ गई, फ्लिपकार्ट पे सेल आई हुई थी, तो ये एक्चुअल में कुछ 2200 की आई थिंक। सो मैं लिंक छोड़ दूंगा, मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ये मेरे को ना कुछ 1200-1300 रुपए में मिल गई। ये देखिए लिवाइस की है और 1200-1300 रुपए में कोई बुरी नहीं है ये, क्योंकि इतने में जनरली और ये जो है जल गए, हम जलेबी खा लेंगे। तो मैंने ये ना ऑफर लगा के कुछ 1300-1400 रुपए में खरीद लिया मैंने ये। तो आप लोग बताना कैसे लगे, क्योंकि जब वो आया था ना, सेल आई थी, तब तुमने एक कूपन कोड था ना तुम्हारा, जो तुमने सर्च किया था और बताया था, वो यूज करा मैंने और 15% एक्स्ट्रा मेरे को ऑफ मिला। आज इनका बड़ा मूड कर रहा है अपनी शॉपिंग दिखाने का, जबकि मैं ज्यादा शॉपिंग नहीं करी। मैंने एक ये लिए शूज और मैंने एक ये जीन्स ली, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया। हमेशा मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती रहती हूँ, तो इनका भी दिल कर आया। हाँ। कशिश ने सूप बना लिया गर्मा गर्म और साथ में बनाई है गार्लिक ब्रेड, बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। एंड हैप्पी ईद। यस, ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सभी को, ईद मुबारक दोस्तों। बाय बाय, लव यू।